बंगाल दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सिंदरी में खाद प्लांट के उद्घाटन पर तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा वो धनबाद जा रहे हैं जहां मैदान खुला होगा, माहौल गर्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें अब से थोड़ी देर पहले जब ये सिंदरी में मौजूद थे जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बीते दिनों झारखंड की राजनीति में भी भूचाल आया था हमने देखा, और अब प्रधानमंत्री ने कहा जहां जा रहा हूं धनबाद वहां भी कई परियोजनाओं की सौगात लोगों को दूंगा, लेकिन माहौल गर्म है वहां पर इस वक्त। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी की हुंकार, झारखंड में धनबाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक जाऊंगा धनबाद। और इस खबर पे हमारे साथ श्रेयसी गांगुली जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, किस किस मायने में क्या कुछ खास वहां होने वाला है, श्रेयसी क्या तैयारियां वहां पर? और बंगाल दौरे से पहले देखिए टीएमसी में सियासी भूचाल, कृणाल घोष टीएमसी अपने बायो से वो हटाते नजर आए, इसको किस तरीके से हम देखें? देखिए पहले तो मैं आपको ये एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि बंगाल के आरामबाग जो सांसद ये इलाका है उस इलाके में आज प्रधानमंत्री जी का पहला प्रोग्राम है। और ये बता ये आप कह सकती हूँ कि बीजेपी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यक्रम आज यहीं से शुरू हो रहा है। जैसे कि आज यहाँ पे प्रोग्राम है, कल कृष्णनगर पे प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का। और आरामबाग वो ऐसी सीट है जहाँ पे जो पिछले जो लोकसभा निर्वाचन हुई थी उसमें देखा गया था कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो उनका वो पराजित हुए थे, वो सेकंड आए थे, लेकिन उनके साथ और टीएमसी कैंडिडेट के बीच का जो अंतर है वो था 0.8%, वो जो 1200 से भी कम वोट था। तो इस जगह पे जो आरामबाग का इस माहौल के ऊपर खड़ा होके आज ये सभा होने जा रही है। उधर दूसरी जगह आप बताएं कि टीएमसी की तरफ से भी आज बहुत सारे कार्यक्रम लिया गया है इस प्रोग्राम को नजर में रखते हुए। जैसे कि आपको बताएं कि हम जब यहाँ पे आ रहे थे, जब ये सभा मंच तक हम आ रहे थे तब हम देखे कि रस्ते में टीएमसी का जो एमपी है वो रस्ते पे ऐसे लीफलेट दे रहे थे लोगों को, जो जहाँ पे वो कह रहे थे कि बंगाल के माँ और बहनों के लिए दीदी की सरकार मतलब ममता जी की सरकार क्या क्या काम किया है और क्या क्या काम करने वाले है। अर्थात ये समझ में ही आ रहा है कि जो महिला जो वोट है वो उनकी एकदम नजर में है और वही आगे रखते हुए वो लोग प्रचार कर रहे हैं। आप जहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं, अभी तो वो झारखंड में हैं, लेकिन माहौल कैसा है? महिला, आपने भी ये मुद्दा उठाया महिला सुरक्षा को लेकर, बीते दिनों जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में हुआ था, महिला उत्पीड़न, कथित गैंग रेप, महिलाओं का सड़क पे उतरना, हाथों में डंडा लेकर के गुस्सा देखने को मिला था, पीएम को सुनने के लिए क्या महिला भी यहां पर आ रही है अलग अलग जिलों से पश्चिम बंगाल के? जी एकदम, आपको दिखाएंगे हम वही चित्र जहाँ पे आपको दिखाएंगे जे जो ये मेन स्टेज है आप देख रहे हैं कि विजय संकल्प के नाम के ये मेन स्टेज जो है इसको सजाया गया है। विजय मतलब जय, अतः जय के लक्ष्य में जाते हुए संकल्प है, इसलिए विजय संकल्प लिखा हुआ है। और नीचे लिखा है आबार एक बार मोदी सरकार, मतलब फिर से मोदी सरकार चाहिए। और नीचे आप देखिए रंगोली जो किया हुआ है उसमें लिखा है कि आपकी बार 400 पार, अर्थात जो नारा जो बीजेपी की तरफ से पूरी देश में लगाया जा रहा है उसी नारा लिखा है हुआ है बंगला में आपकी बार 400 पार, जो रंगोली सजाया गया है। अभी हम आपको जो महिलाओं का जो यहाँ पे योगदान है वो दिखाएंगे। 3:45 पर यहाँ पे मोदी जी आएंगे और देखिए यहाँ पे जो दूसरी पीछे वाला जो ब्लॉक आपको दिखाएंगे, जो पीछे वाला जो ब्लॉक है वो महिलाओं के लिए छोड़ा गया है। और उस पीछे वाले ब्लॉक में अभी महिलाएं जो है वो आना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे महिला
गए हैं और इधर भी थोड़ी बहुत महिला आ चुके हैं, जो महिला अभी प्रधानमंत्री जी के नाम पे नारा भी लगा रहे हैं, ये पार्टी के समर्थक है। तो महिलाओं को आगे रखते हुए, महिलाओं का मुद्दा जो ये है ये आगे रखते हुए बीजेपी की तरफ से प्रचार पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही हुआ था, क्योंकि संदेश खाली का जो घटना है उस घटना को आगे रखते हुए हम देखे कि अपोजिशन लीडर और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बहुत जोरदार प्रचार किया। हालांकि हमको ये भी पता है कि 21 का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया हुआ था उसमें यह भी देखा गया था कि टीएमसी को जो वोट मिला था उसमें बहुत ज्यादा वोट मिला था, कि महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा मिला था। तो निश्चित रूप से हम आपको ये बिल्कुल, और ये चीज हमने देखा है बीजेपी की कोई रैली हो, कोई भी इस तरीके की जनसभा हो, प्रधानमंत्री की हो या फिर कोई और लीडर की हो, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाता है। और पश्चिम बंगाल में मामला ही महिला सुरक्षा को लेकर के है, इस वक्त मुद्दा गर्म है। रविंद्र हमारे साथ बने हुए, जरा चुनावी समीकरण को रविंद्र आप समझाइएगा, आपका रुख करी हूं। श्रेयसी आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो पहली सूची आने वाली है उससे पहले पश्चिम बंगाल का प्रधानमंत्री का दौरा हो गया, झारखंड का हो गया या बिहार का हो गया, ये कितना महत्वपूर्ण है? और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में पीएम का ये जो दौरा है, क्या लगता है रविंद्र आपको, किन किन बातों पर फोकस रहने वाला है? क्या पीएम संदेश खाली की घटना का भी जिक्र कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, देखिए महिला उत्पीड़न की बात करेंगे प्रधानमंत्री, और आपने देखा कि नंदीग्राम और सिंगूर के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पर सत्ता तक पहुंची थी और उसके बाद लगातार वो सत्ता में किसानों का मुद्दा उठाया और जिससे पूरा पश्चिम बंगाल वहां पर जुड़ गया था। पर बीजेपी की रणनीति है एक संदेश खाली में महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जैसे आई हैं, आप भी बता रही हैं, तस्वीरें भी दिखा रही थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अगर जो आक्रोश है ये बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। और जब आरामबाग में 4 बजे रैली होगी प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं को शिलान्यास लोकार्पण के बाद, तो ये महिला उत्पीड़न, महिला सुरक्षा, महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ये प्रधानमंत्री के भाषण का एक मुख्य फोकस बिंदु होगा। एक बात और है, सियासत देखिए, ममता बनर्जी जानती हैं कि केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की उनकी रणनीति होगी जिससे संसद में बीजेपी को वो सियासी तौर पर जवाब दे सके। लेकिन बीजेपी कोशिश है कि जो लक्ष्य रखा गया है 370 का, उसमें पिछले बार 2019 में जो सीटें जीती हुई थी उसको बरकरार रखना और 2-4 सीटें और ज्यादा जीतना, और इसलिए प्रधानमंत्री की आज की रैली आरामबाग की, कल की कृष्णनगर की, ये दोनों रैली काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब 6 तारीख को वहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री, महिलाओं के एक बड़े रैली को संबोधित करेंगे जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो ये 3 रैलियां अगर बैक टू बैक हो रही है तो ये माहौल महिलाओं को लेकर बनेगा, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जहां पर इस वक्त पहुंचने वाले हैं वहां से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रेयसी, महिलाओं को लेकर के लगातार बात हो रही है, पश्चिम बंगाल का ये दौरा प्रधानमंत्री का, हर कोई ये मान के चल रहा है, या फिर देखिए हमने जिस तरीके की स्थिति देखी है, महिला सुरक्षा का मुद्दा रहा हो पश्चिम बंगाल में, खास करके बीजेपी उसको उठाती रही है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और इतने गंभीर मसले में जिन महिलाओं ने अपनी आपबीती पहली बार खुल करके सामने आकर के बताने की हिम्मत जुटाई है, उनके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंच से कुछ बड़ी बातें कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की जनता से जनसंवाद करते हुए। देखिए, अब पहले मैं ये बता दूं कि संदेश खाली की जो घटना जो सामने आई हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ये पहला प्रोग्राम है पश्चिम बंगाल में, और इस प्रोग्राम के ये माना ही जा रहा है कि इस प्रोग्राम के दौरान वो महिला सुरक्षा के ऊपर, लेख सुरक्षा को लेकर जरूर कुछ बोलेंगे ये माना जा रहा है, ये और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जरूर इस प्रोग्राम के दौरान वो महिला सुरक्षा के ऊपर कुछ बोलेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि महिला जो वोट है वो अगला जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन है जहां पे बीजेपी का आंकड़ा 21 का जो इलेक्शन है जहां पे बीजेपी का आंकड़ा जो 100 से अधिक नहीं जा पाया, वहां पे ये देखा गया कि टीएमसी का जो वोट मिला है उसमें एक बड़ी अंश का वोट जो है महिलाओं का वोट जो है यह पूरा टीएमसी को मिला है। और इसका इस बार का जो स्टेट बजट है अगर उसमें भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ किया जाए ऐसे ही लक्ष्य रखा गया है, जहां पे लक्ष्मी भंडार जो महिला को जो पहले 500 रुपया दिया जाता है वो 1000 रुपया किया गया, और दूसरी जगह पे महिलाओं के लिए बहुत सारे सुविधा की गई है। तो इसके हिसाब से महिला जो संदेश खाली की घटना का जिक्र पीएम करते हैं या नहीं करते हैं, उस राज्य में मौजूद है जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है और वहां महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा था, महिलाओं ने जब हिम्मत जुटाई सामने आकर के बोलना शुरू किया, खबरें जब हमने दिखाई तो असलियत उजागर हुई है। रविंद्र और श्रेयसी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। श्रेयसी, जी न्यूज पर खबरें लगातार आगे जा रही। Zini